सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और कल यार ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कहीं चले गया था, इसलिए टाइम नहीं मिला और बना भी नहीं ब्लॉग। तो अब से मैं ऐसा करूँगा कि एक दो दिन के ब्लॉग पहले ही शूट करके रखूँगा कि एमरजेंसी में वो ब्लॉग काम आए। ओके, तो अभी वैसे इवनिंग का टाइम हो चुका है पर हमारा तो ब्लॉग का अभी स्टार्ट हो रहा है। तो शॉर्ट्स मैंने सुबह से वैसे 3-4 अपलोड कर दिए हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है आपके मन में या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। तो देखो, अपाचे RR 310 को लगभग मैंने 3 तारीख को परचेज़ किया था और आज हमारी 14 तारीख है और लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को इस बाइक में। तो देखो यार, कोई भी अच्छी सी बाइक लोगे ना आप तो 10 दिन में आपको पता चल जाएगा उस बाइक में क्या दिक्कत है और क्या नहीं, क्या आपको मज़ा आ रहा है और क्या चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। तो देखो, बाइक में यार ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ और ये होप्स हो कि ये लास्ट हो इस बाइक का व्लॉग, मतलब इस बाइक के बारे में बताने का व्लॉग ये लास्ट हो। इसके बाद मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन से, तो बाइक तो रहेगी पर मैं रिव्यू नहीं दूंगा कोई भी प्रॉपर बाइक का ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, शुरू से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे कमी लगी वो ध्यान से सुनना, शायद आप लोगों को भी लगे। तो ये अपनी बीस्ट खड़ी हो रही है सामने। देखो यार, सिंपल सी बात है, एक तो ये अटेंशन कैची बाइक है, सबसे पहले बात तो ये है, आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ और जितने बार बताऊँ उतना कम है। जब आप इसे रोड पे लेके निकलोगे ना, अभी तो यार बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं, अटेंशन तो KTM को ही मिलती है, डोमिनर को ही मिलती है। तो यार भाई, आप इसे परचेज़ करो या परचेज़ नहीं भी कर सकते ना, तो आप मेरे घर आओ, ये बाइक की एक राइड लो और मार्केट जाओ इसे लेके। आपको यकीन नहीं होगा, तब आपको यकीन हो जाएगा जब आप इसे चलाओगे। अब लाइट की बात कर रहा था मैं, तो लाइट यार सब कुछ बढ़िया है गाड़ी में, लाइट हो चाहे टायर्स हो चाहे बॉडी हो, सब कुछ बढ़िया है। एग्जॉस्ट ने मुझे थोड़ा मायूस करा है क्योंकि एग्जॉस्ट इतना बल्की है ना, ये एग्जॉस्ट बल्की इतना है, ये एग्जॉस्ट मार्केट में जब ज़्यादा रश होता है तो ये दिक्कत पैदा करता है बहुत सारी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो एग्जॉस्ट है, ये जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो ये ना लगता है बहुत लोगों की गाड़ियों पे, बाइक पे, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है ताकि ये एग्जॉस्ट पे लग ना जाए। और है भी ये सिल्वर कलर, तो ये सिल्वर कलर पर स्क्रैच साफ चलेंगे और जब इस पर स्क्रैच लगेंगे तो ये ब्लैक दिखेगा, नॉट सिल्वर, ये ब्लैक दिखेगा पूरा, जैसा शाइनी वाला नहीं मैट टाइप हो जाएगा पूरा जब इस पर स्क्रैचेस पड़ेंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। एग्जॉस्ट चाहे तो ये छोटा कर सकते थे, मफलर दे सकते थे, इनने बहुत ही ज़्यादा बल्की बना दिया एग्जॉस्ट। इससे पूरा लुक जो है ना, मेरे को तो देखो लुक में कोई दिक्कत लग नहीं रही, लुक है तो बढ़िया, पर अगर ये एग्जॉस्ट हटा के देखोगे ना आप, एक इमेजिन करो एग्जॉस्ट नहीं है गाड़ी में तो एक अलग ही लुक आएगा गाड़ी का। ओके, ये चीज़ सही लगी और ये चीज़ बेकार लगी। ओके, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप आफ्टर मार्केट इसमें एग्जॉस्ट चेंज करवाने जाओगे ना तो वहाँ पे सेंसर है इसके, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, पहली बात बता दूं आप लोगों को। तो ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि जब मैं इसे लेने गया था, जब मैं इस गाड़ी को देखने गया था ना कंपनी में, तो उस दिन ही मुझे उनने कह दिया था, जो ओनर थे कंपनी के, उनने मुझे कहा था कि इस पर एग्जॉस्ट मत चेंज करवाना, एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है पूरी और इंजन में अगर कोई दिक्कत आई तो उसमें कोई TVS वालों का कोई भी वो नहीं रहेगा, उसके बाद सब आप ही देखना, वो आपकी हेडेक होगी, तो इसलिए एग्जॉस्ट चेंज मत कराओ। और ये एग्जॉस्ट यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, जहाँ पे ये बैंड पाइप का ये चेसी देख रहे हो आप, जो ये वुड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिर्फ 40,000 रुपये का सिर्फ यही है, वो तो है ही नहीं पूरा फुल सिस्टम, तो पता नहीं 50-60 का हो, पर जो इतना सा है ये एग्जॉस्ट 40,000 रुपये का, किसी किसी को लगता है 2-3 हज़ार का, तो भाई 2-3 हज़ार का नहीं है, 40,000 रुपये का एग्जॉस्ट है ये। ओके, ऊपर से ये मुझे सबसे बेकार चीज़ लगी इसमें यार, मतलब मेरे को बहुत इरिटेट करा इसने, मतलब ये भाई भीड़ में बहुत दिक्कत करता है क्रिएट, ये जब भीड़ में बचा बचा के ले जानी पड़ती है तब जाके अभी तक ये बचा हुआ है और होप्स हो बचा ही रहे। दूसरा, अभी परसों मैंने आपको बताया भी था पिछले वाले ब्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा ना तो आप देख सकते हो, रिसेंटली ब्लॉग मेरा देख सकते हो। ये देखो, ये सिर्फ थोड़ा सा हेलमेट इसमें वो हुआ है रब, थोड़ा सा हेलमेट, और देखो थोड़ा सा रब होने से ही ये क्या हाल हो गया इसका। तो यार इतना भी क्या लो क्वालिटी का पेंट यूज़ कर रखा है आपने कि बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ होगा वो, और ये पेंट इतना खिदर गया। तो यार ये चीज़ सही नहीं, जब आप इतने पैसे ले रहे हो ना यार तो ऐसा मत करो, थोड़ा पेंट तो अच्छी क्वालिटी का दो। चलो मान अच्छी क्वालिटी का है पेंट, पर यार इतना छोटा सा बिल्कुल घिसड़ने में ही इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है यार, ठीक है। ये चीज़ मुझे थोड़ा मुझे, मतलब ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये कोई सबके पास हो दिक्कत या ना हो ये अलग बात है। ऊपर से जो ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये देखो, फोकस करता हूँ, ये देखो, ये पता नहीं किसने यार उस दिन मारा था, क्या हुआ ये समझ में नहीं आया मुझे, पर ये बहुत गलत सीन हो रखा है।
यार बिल्कुल ही गलत है। ऊपर से अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये देखो जो ये है ना, ये जो लाइट्स के नीचे का ये पैनल है सिल्वर कलर का, यार ये लुक और ज़्यादा इन्हेंस करता है इसका बहुत तगड़ा, इससे तो शार्प लुक आता है गाड़ी का, ठीक है। तो यार ये चीज़ हमेशा क्लियर रखा करो गाड़ी की। अब आते हैं एक और बात पे, इस गाड़ी में यार वाइब्रेशन तो भाई पहले दिन दूसरे दिन मुझे इतनी लगी नहीं, पर जब मैंने इसे अच्छे से राइड करा, जब मैं इसे संडे राइड पे भी लेके गया था दोस्तों के साथ, तो मुझे मतलब जो मुझे फील हुई है ना, तो इसके अंदर वाइब्रेशन भर भर के है यार, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। मतलब पहले दूसरे और तीसरे गियर में तो आपको पूरा पता चलेगा कि गाड़ी वाइब्रेशन में है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भर 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 वाला सीन हो जाता है। जब मतलब ये GTRR मोड में भी रहेगी ना तो भी ये वाइब्रेशन में रहती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है पूरी गाड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है गाड़ी की बॉडी में। और लगभग आप लगाओ कि जो ये है ना, ये ऐसे 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 हिलते रहते हैं, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है गाड़ी में। और मतलब जब मैंने उस दिन हेलमेट पहन रखा था तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, पर जब अब मैंने आज बिना हेलमेट की थोड़ा सा थ्रोटल दिया, मैंने ज़्यादा नहीं, मैं 100 तक भी नहीं पहुँचाऊँगा, 91 या 95 के समथिंग रहा हूँगा, तो इसमें इतना थ्रोटल देने में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ मुझे, तो आज मुझे पता चला कि हाँ भाई वाइब्रेशन तो है RR310 में। अब मुझे ये नहीं पता कि जो पिछले वाले जो इसके मॉडल्स थे उसमें वाइब्रेशन थी कि नहीं थी, पर इसमें वाइब्रेशन है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है पर है, RN5 के मुकाबले तो वाइब्रेशन है भाई इसमें। एक चीज़ जो मैं बहुत खुश हूँ जिस चीज़ से, इसका चेन स्पॉकेट यार बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, ये चाहे आप क्लच दबा के करो या क्लच बिना दबाए चेंज करो गियर, कोई दिक्कत नहीं होती है। स्लीपर क्लच है गाड़ी में, पर मेरे हिसाब से इसमें वो होना चाहिए था क्विक शिफ्टर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। पर गाड़ी में जब हम पहले गियर से दूसरे गियर में क्लच छोड़ते हैं ना पूरा, तो गाड़ी में जो पंप आता है ना यार, मतलब मज़ा आता है बिल्कुल। आज मैंने अपने दोस्त को भी इसकी राइड दी थी, मैं पीछे बैठा था, मेरा खास दोस्त है, तो उसने भी बोला कि यार भाई आज तो मज़ा आया गाड़ी चलाने में। मतलब ये गाड़ी को ना, मतलब आप, मैं एक चीज़ सच में बताऊँ ना, जो रियलिटी है, आप इसे चाहे कितना धीरे चला लो, चाहे कितना ही GTRR मोड यूज़ कर लो आप इसका, आपको जोश आ ही जाएगा कुछ देर बाद, आप बोलोगे चलो थोड़ा थ्रोटल कर ही देते हैं। अब एक और चीज़ मुझे थोड़ी कमी लगी गाड़ी में, देखो कमी ये है कि लाइट्स है तो बढ़िया, पर जैसे BS6 मॉडल्स आ रहे हैं ना, इसमें लाइट्स ऑन ही रहती है यार, ये वाला सीन थोड़ा मुझे अजीब लगा यार, क्योंकि ना अब मेरे को ना ये डाउट है कि अगर ना कभी बाई चांस लाइट हमारी ऑन रही ज़्यादा देर तक, 15-20 मिनट या शायद आधे घंटे तक, तो इसकी बैटरी लो ना हो जाए, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे मतलब लगती है कि यार कभी बैटरी लो हो गई तो फिर क्या हो, क्योंकि किक भी नहीं है गाड़ी में। ओके, अब ये चीज़ें बहुत अच्छी दे रखी है इनने, जैसे आपको नोटिस करी हो या आपने ना करी हो, जैसे ये चीज़ हो गई, तो ये कवर्स हैं सारे, अब ये हो गया, जैसे हमारे शूज़ होते हैं ऐसे करके, तो ये शूज़ इससे अंदर नहीं जाएंगे, ये जो वायर्स वगैरह है, और यहाँ पे भी ये शूज़ यहाँ पे टच नहीं होंगे, तो ये पूरा कवर कर रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपके और बता दूँ, देखो वाइब्री ब्रेकिंग सेटअप जो है इसका, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब गाड़ी हमारी 100 की स्पीड में हो, 90, 50 या 120 प्लस, फ्रंट ब्रेक ही इतना पावरफुल है इसका और इतना स्मूथ है कि थोड़ा सा ही मार दोगे ना तो गाड़ी वहीं पे एकदम कंट्रोल में आ जाती है। मतलब इस बाइक में मुझे ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब एकदम कंट्रोलिंग ब्रेक है यार इसकी, मतलब गाड़ी कंट्रोल बहुत, मतलब जो उसका कंट्रोलिंग है ना, मतलब जो बहुत तगड़ा है गाड़ी, मतलब कॉन्फिडेंस एकदम लो होने देती ही नहीं है बंदे का, राइडर का कॉन्फिडेंस लो होने देती ही नहीं है। अब आज मैंने एक और चीज़ फेस करी, जो इसमें पिलियन बैठेगा ना, पिलियन का ये मामला ख़राब हो जाता है इसमें, पिलियन जिसको भी बैठा हो वो नाराज़ी होता है मुझसे, वो बोलता है भाई जब तेरी गाड़ी में थ्रोटल दो तो हम पीछे जाते हैं, जब ब्रेक मारो तो हम आगे आते हैं, तो करे तो करे क्या। तो ये बहुत सही बोला सबने और ये चीज़ मैंने भी महसूस करी है, तो कहीं ना कहीं ये सीट ना देके इन्हें काउ ही दे देना चाहिए था, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, और जितने RR310 के ओनर्स हैं ये वो भी कहते हैं कि इसमें अगर काउल दे देते तो ज़्यादा बढ़िया था, पीछे बैठाने की झंझट ही खत्म हो जाता और लुक भी इनहेंस होता, पर इन्हें काउल नहीं दिया, या अगर काउल नहीं दे रहे थे तो इसमें RN5 की जैसे स्ट्रिप दे रखी है वो दे देते हैं कि अगर बंदा आगे ना आए ब्रेकिंग के टाइम, क्योंकि इतना गैप बन जाता है राइडर और पिलियन के बीच में, तो राइडर जो होता है चलाता है झुक के और पिलियन सारा गिरता है उसके ऊपर, ब्रेकिंग मारो तो पिलियन आगे, थ्रोटल दो तो पिलियन पीछे, तो करे क्या, आगे कुआं पीछे खाई वैसा वाला मामला हो जाता है सारा। ओके, अब बहुत से मुझे बोलते हैं कि जो भैया इसका ये है पीछे का मड फ्लैप बोल सकते हो आप इसे, मड गार्ड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो ये है ये निकाल के लुक बढ़िया आएगा, आप निकाल दो, तो यार भाई ये निकाल के लुक तो ज़रूर आएगा पर सारा कीचड़ आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरी एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन रहे, तो इसलिए मैं इसे अभी निकालने की नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, हो बाद में देखेंगे भविष्य में अगर निकालने का मूड करा तो निकाल लेंगे, पर अभी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि ये ऐसे ही नहीं निकलेगा, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा तामझाम है, और होप्स ऐसा ना हो कि इसके साथ सेंसर्स भी लगे हों, क्योंकि इस गाड़ी में हर जगह सेंसर लगे हुए हैं,
अब मैं आपको बताता हूँ, सेंसर इसमें ये वायर नहीं है, इसमें पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसमें वायर नहीं आती, इसमें सेंसर आता है। अगर बाई चांस इसका सेंसर हो गया कट, अब इसमें मैं बताता हूँ सेंसर कट कैसे होता है। जैसे भाई इसमें TCS है, TCS है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है, जैसे गाड़ी को आपने थ्रोटल दिया, आपका पीछे वाला टायर रेब हुआ, आगे वाला टायर रेब नहीं होता, तो ये यहाँ से उसका पावर कट कर देता है। ये होता है मेन ट्रैक्शन कंट्रोल का, बाकी तो मुझे कुछ और वो कोई फ़र्क लगा नहीं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का। बाकी लीन करने में गाड़ी बिल्कुल वैल्यू है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खतरनाक है यार। लीन आप कितना भी कर लो, कॉन्फिडेंस लो हो ही नहीं सकता, चाहे सिंगल हो चाहे आप बिलियन के साथ हो। अब आते हैं इसके क्विक शिफ्टर के, क्विक शिफ्टर तो इसमें है नहीं, स्लीपर क्लच ही है, पर है बढ़िया, पर स्मूथ लगते हैं गियर वैसे तो, पर मेरे हिसाब से इसमें अगर क्विक शिफ्टर भी होता ना तो यार और ज़्यादा मज़ा आता। और कहीं ना कहीं मुझे ये वाला जो सस्पेंशन है इसका थोड़ा स्टिफ लगता है, इसे थोड़ा और ना वो होना था, स्मूथ होना चाहिए थोड़ा, जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट टाइप का होना था कि जैसे कि अगर पीछे कोई बैठे तो ये एकदम से दब जाए, वैसा नहीं है, थोड़ा मतलब हार्ड सा है, स्टिफ सा है ये। और एक बंदा मुझे बोल रहा था भाई आप इसकी सर्विस कहाँ कराओगे, तो ऑब्वियसली TVS के शोरूम में ही कराएंगे यार, बाहर तो इसकी सर्विस करा भी मत लेना आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके के ऑयल्स जलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जलती हैं गाड़ी में, तो बाहर सर्विस कराने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ये कोई हमारी हीरो स्प्लेंडर नहीं है कि इसे कहीं भी खुलवा दिया। पहली बात तो बहुत से लोगों को इसके फंक्शन ही नहीं पता, अभी तो बहुत से लोगों को मार्केट में ये भी नहीं पता कि अपाचे RR 310 भी कोई बाइक है, वो देख के इतना चौंक जा रहे, वो सोच रहे पता नहीं क्या आ गया। एक अंकल मुझे बोल रहा है भाई ये क्या हवाई जहाज लेके घूम रहा, तो ये बात है, लुक ऐसा है कि अगर अपाचे हटा दिया तो पता नहीं चल सकता कि अपाचे ये TVS की बाइक है, ठीक है। मुझे TVS से इतनी उम्मीद थी भी नहीं, 200 4V 160 2V इन सब बाइकों से अगर कंपेयर कर दो भाई ये तो बहुत ही अलग सेगमेंट जाता है इनका। और पावर गाड़ी में ऐसी है कि पूछो मत, आप पहला गियर से पांचवा गियर हो या इसमें एक चीज़ मैंने और देखी, तीसरे गियर में भी ये खिंच जाती है तुरंत, चौथे गियर में भी अगर थ्रोटल दो तो तुरंत पावर वो करती है जनरेट, और पांचवे गियर में भी दो तो तुरंत करती है। इसमें वैसा सीन है खच 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 जैसे वो करती है ना इसकी क्या बोलते हैं चेन स्पोकेट, वो इसमें बिल्कुल नहीं करता। गाड़ी जहाँ पे आप थ्रोटल दोगे वहाँ पे बढ़िया है। बाइब्री के ब्रेकिंग सेटअप का मेरे को इतना ज़्यादा अंदाजा था नहीं पहले, पर जब मैंने आज खुद मैंने लगाया ना जब ये, तो मुझे आज पता चला है इनका कितना फ़ायदा है। और गाड़ी यार अपनी साफ़ करके रखा करो, जब नई गाड़ी है तो यार नई गाड़ी आप कोई भी, मैं तो ये बोलूँगा देखो अपाचे RR 310 तभी परचेज़ करना आप, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी कम चलती हो मार्केट में और जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखें। देखो अपाचे RR 310 एक ऐसा सेगमेंट है, ये देखो इसके उसमें निंजा भी आती है, हमारी RC 390 भी आती है, पर RC 390 तो मैंने इसलिए ली क्योंकि उसमें वो कलर ही ऑरेंज निकाल रहे हैं, अगर वो ब्लैक कलर निकाल दे रेड कलर निकाल दे तो एक बार को मैं उसकी तरफ जा भी सकता हूँ, पर ये निकाल रहे हैं हमारा ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसे लोगों ने बताया कितना छपरी 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 कर करके ऐसा इतना बदनाम कर रखा है। दूसरी बात निंजा पे आए तो Kawasaki जो हमारी निंजा उसमें कोई भी LED सेटअप नहीं आता, पूरा आता है उसमें हैलोजन सेटअप, तो इस चक्कर में मैंने वो बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि मैं उसे परचेज करूँगा। हटो हटो हटो, ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल उसको माइंड में रखा ही नहीं था क्योंकि मेरे को LED सेटअप चाहिए था पूरा यार। 2023 में आ चुके हैं हम, अभी भी LED सेटअप का यूज़ ना करें, अभी भी हमें गाड़ी में 4 लाख 3.5 लाख रुपए देने के बाद LED सेटअप ना मिले तो फिर क्या ही मज़ा है भाई। पावर ज़रूरी होती है माना, पर पावर के साथ लुक्स भी मैटर करते हैं और फीचर्स भी मैटर करते हैं। अगर पावर ही पावर होगी तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। लुक्स ज़्यादा हमारे जो मतलब जो मेरे था मेन जो मेरा वो मेन फोकस था वो पावर पे नहीं था, मेरा मेन फोकस था लुक्स पे फीचर्स पे। ओके, तो ये बात है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। फी और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है लैग बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत से लोग बोलते हैं भाई हैंग मारता है, कोई हैंग नहीं मारता, बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्मूथ चलता है। और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी जब इसे मैं अपने फोन से कनेक्ट करूँगा, कॉलिंग फीचर वगैरह भी है इसमें, A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं, व्हाट्सअप वगैरह तो नहीं खुलता पर मैप के जैसे आगे कोई डायरेक्शन आ रही है तो ये सारा वो हमें एरो बता देगा। और सही है पर इंडिकेटर्स बचा के चलना, इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा वो है इसके ना मतलब अचानक से टूट सकते हैं अगर कहीं भी हल्की सी टच हो गई है। और ऊपर से मिरर खोलने के बाद तो ये हवाई जहाज ही लगती है पूरी, इसलिए मिरर्स मैं खोलता ही नहीं हूँ इसके बिल्कुल भी। वैसे आपका अलग अलग सबका अलग अलग टेस्ट होता है, आप चाहो तो खोल सकते हो, आप नहीं भी चाहो तो नहीं भी खोल सकते हो, कोई ऐसे इशू नहीं है। बाकी और गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है यार बिल्कुल, जब कहते हैं ना कि इतने सारे फीचर्स के साथ पावर्स के साथ और मतलब एकदम खतरनाक वाली अटेंशन मिले तो फिर वर्थ है बिल्कुल लेना, बिल्कुल 100% वर्थ है। मैं यही बोलूँगा निंजा 300 को छोड़ के RC 390 को छोड़ के आप इसकी तरफ जाओ, जब भाई 3,80,000 रुपये या 4 लाख रुपये की आप दे रहे हो तो आपको गाड़ी ऐसी मिलनी चाहिए जो आई कैची हो, एकदम अटेंशन कैप्चर करने वाली होनी चाहिए वो पूरी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग समझ में आ गया होगा, पूरा सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, बाकी जो थोड़ी बहुत कमी दिखेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर चैनल पर नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी अपनी फैमिली का भी, और सेफली ड्राइव करो, सोच से बाजी मत दिखाओ कोई भी अगर आप पे कितनी महंगी बाइक क्यों ना हो।
क्योंकि बाइक का इंश्योरेंस हो सकता है जिंदगी का नहीं। ठीक है, तब बाय।